ग्वालियर से खबर मिल रही जहां पर यात्री बस और टैंकर में टक्कर हुई है। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराजपुरा थाने के बरेठा टोल के पास का ये हादसा बताया जा रहा है। तो ग्वालियर से खबर आपको दिखा रहे हैं, बस और टैंकर में यहां पर टक्कर हुई। यात्री बस है और उसके साथ ही टैंकर की टक्कर हुई। 12 से अधिक लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। महेंद्र कुशवाहा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। महेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि हादसे की खबर आ रही है, कैसे हादसा हुआ और घायलों की क्या स्थिति है? जी, मैं बता दूं, महाराजपुरा थाना क्षेत्र की तो परेटा टोल के पास की घटना है, जहाँ पर जो बस यात्री बस थी जो भिंड की तरफ से ग्वालियर की तरफ आ रही थी और जो टैंकर था वो ग्वालियर की तरफ से भिंड की तरफ जा रहा था। इसमें जो परेटा टोल के पास जब दोनों पहुंचे तो आमने सामने इन दोनों की टक्कर हुई, जिसमें जिस वजह दोनों चालक थे वो गंभीर रूप से घायल हुए। साथ ही जो बस में यात्रा कर रहे कुछ यात्री भी घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। कुल एक दर्जन के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन जो चालक है वो गंभीर रूप से घायल है दोनों के, और दोनों का इलाज अभी भी जारी है। और इसमें जो हादसा हुआ है वो जो हाईवे पर हुआ है और पुलिस उसमें जांच कर रही है और कार्रवाई करने की बात कही है। जी जी महेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।